एवेलिटी भी ओके और यहाँ पे डन 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 एफआरपी डन हो गई गाइस। मतलब बहुत ही अच्छी बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अनलॉक टूल की तरफ से ये। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और, तो मैं बता दूं गाइस, आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है S10 5G। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये S10 5G फ़ोन है और इसमें FRP लगी हुई है। तो चलिए इसको मैं आपको चेक करके बता दूं कि इसमें FRP लगी है कि नहीं लगी है। तो फिलहाल अभी करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ओके करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का बटन नहीं आ रहा, मतलब FRP लगा हुआ है। तो गाइज, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का सेंस है, कोई आज Note 10 या S10 का मतलब नहीं है। आज मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है कि गाइज, आज अपडेट आया हुआ है अनलॉक टूल के ऊपर, कि बहुत सारा मसला चल रहा था कि हम सैमसंग मोबाइल के FRP कैसे हटाएं। तो ये इससे लेटेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता गाइस। फिर उसके बाद मैं एक M20 में भी आपको करके दिखा दूंगा इसी वीडियो में, M20, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लास्ट इन तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अनलॉक टूल में अपडेट आ चुका है गाइस कि आपका एंड्रॉयड वर्जन 10 11 12 की आप FRP ईजिली रिमूव कर सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको देने वाला हूँ क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता गाइस। तो देख सकते हैं S10 मॉडल है, तो S10 में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इतने लेटेस्ट फ़ोन में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर इतने लेटेस्ट फ़ोन में हो जाएगा तो जो इसके नीचे वाले फ़ोन है वो तो 100% होना ही है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, और यहाँ पे आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ऐसे ही अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये अपडेट वीडियो है सैमसंग FRP के ऊपर, तो वीडियो में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं, अपडेट वीडियो रहता है, आप हमारे चैनल ऐसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए S10 को हम यहाँ पे करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये अनलॉक टूल का आज ही अपडेट आया हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। आप देख सकते हैं 30, ये जो वर्जन चलता है ये इसके अपडेट के ऊपर ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 यहाँ पे आज ही का ये अपडेट आया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट में आप देख सकते हैं कि सैमसंग FRP वन क्लिक रिमूव ऑटो इनेबल EDP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वन क्लिक में FRP रिमूव कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है गाइज। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, ये वही फोन है हमारे पास। तो गाइज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपको सिंपल और सिंपल सैमसंग में जाना है। सैमसंग में जाने के बाद आप फोन को पहले तो डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट कर दो आप, जिसमें आपका सैमसंग USB पोर्ट बन करके आ जाए। तो देखिए हमारा सैमसंग USB इसमें आपका ड्राइवर होना चाहिए परफेक्ट तरीके से। तो अगर आपके पास ड्राइवर भी नहीं है तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं MTP ड्राइवर इंस्टॉलेशन, ये भी ये मैं आपको बता देता हूँ, किसी वीडियो में शायद आपको ना बताए। अगर आप में ड्राइवर MTP नहीं है तो गाइज आप यहाँ पे इंस्टॉल ड्राइवर भी कर सकते हैं, जिसमें आपका ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। सिंपल और सिंपल आपको यहाँ पे रिमूव FRP भी क्लिक करना है। तो देखिए अब उसको बोल रहा है कि आप इमरजेंसी में जाइए, इमरजेंसी में जाने के बाद *0*# आप डायल करिए, जिसमें आपका यहाँ पे इस मोड पे चला जाएगा। उस मोड पे जाने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब ये अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, जैसे ADB का भी मैं यहाँ पे अभी जैसे ही आ जाता है गाइस, तो यहाँ पे अभी ADB इनेबल जैसे ही हमारा हो जाएगा तो आपको क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी ADB का प्रोमिसेस देगा, उसको आप अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद आपका देखते हैं कि हमारा ये 100% काम करता है कि नहीं करता है। अगर ये काम कर गया गाइस तो मतलब जॉब डन हो गया, यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है सैमसंग FRP के ऊपर। अभी तक इनेबल ADB यहाँ पे कर रहे हैं 60%, और अभी भी ओके हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल ADB ओके, और यहाँ पे डन 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 FRP डन हो गई गाइस। मतलब बहुत ही अच्छी बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अनलॉक टूल की तरफ से ये गुड न्यूज़ आया यहाँ पे गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। ऐसे ही हमारे पास एक फोन और है गाइस, मैं ऐसा नहीं कि मैं एक फोन पे मैं दो ऐप M20 पे भी करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कि मैं एक फोन पे पहले दिखाया। तो चलिए फिलहाल अब इसको मैं बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद और देखते हैं, पहले तो इसको ही देख लें कि FRP यहाँ से तो डन हो गई है 35 सेकेंड में, ओनली 35 सेकेंड में गाइस FRP। यहाँ पे देख सकते हैं होम स्क्रीन भी आ चुका है, यहाँ पे अलाउ कर देंगे और ये देख सकते हैं गाइस 100% आपके सामने डाटा केवल लगा ही हुआ है। और बहुत ही मज़ेदार अपडेट ये जो आया अनलॉक टूल की तरफ से, आप ये जो देख सकते हो, तो ये बहुत ही बेटर और यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिला है गाइस कि ये जो अपडेट हमेशा जो आ रहा है। अभी मैं एक फ़ोन में और करके आपको दिखा देता हूँ, M20 में भी करके दिखा देता हूँ कि वर्क कर रहा है। अब जाहिर सी बात है करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर S10 में कर रहा है गाइस तो यहाँ पे M20 तो कुछ नहीं है फिर उसके आगे। तो चलिए फटाफट हम इसको आपको M20 में भी दिखा देते हैं।
M20 में पहले तो मैं FRP दिखा दूं आपको कि FRP लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है गाइस। हालांकि S10 हो गया सर, तो M20 तो होना ही है। ये देख सकते हैं स्किप का बटन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसमें भी FRP लगी हुई है। तो चलिए फटाफट इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं, इसको फोन को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद इमरजेंसी में जाना है, इमरजेंसी में जाना है आपको, इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में जाने के बाद स्टार हैज 0 स्टार हैज आपको डायल करना है, जैसा कि आपका आ चुका है। अब सीधा सीधा जाना है रिमूव FRP पे, इसको कर देना है कंटिन्यू। पोर्ट हमारा बन गया है, पोर्ट आपका अगर नहीं बनता है तो सीधा आप MTP ड्राइवर पे यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे भी अलाउ का एक ऑप्शन मांगेगा, तो अलाउ आपको शायद उसमें ना दिखाओ, इसमें दिख जाएगा। आपको यहाँ पे कर देना है उसको अलाउ कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे फेल हो गया वन टाइम, पर यहाँ पे भी अलाउ का ऑप्शन आया था तो मैं नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं, फेल होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर से बैक जाइए, बैक जाने के बाद फोन को दोबारा से कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद स्टार, ये देखिए यहाँ पे अलाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे अलाउ कर दिया। तो फिलहाल स्टार हैज 0 स्टार हैज हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सीधा यहाँ पे FRP रिमूव कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब वन क्लिक में इसकी FRP रिमूव हो जाएगी, वन क्लिक में गाइस। इसकी भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने S10 का देख लिया और M20 का भी देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइस। मतलब बहुत ही बिग अपडेट, बहुत ही अच्छा अपडेट सैमसंग का। और 35 सेकंड में गाइस FRP रिमूव हो रही है सैमसंग की। कोई भी मैग्मा टूल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप अनलॉक टूल लीजिए और वन क्लिक में अपना जॉब डन करिए गाइस। बहुत ही हैप्पी वाली बात है। यहाँ पे देखिए ADB ओके हो चुका है, डाटा केबल से लगा हुआ है, और ये डन 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 यहाँ पे M20 गाइस देख सकते हैं। यहाँ पे M20, यहाँ पे मैं M20 और S10 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट फोन है उनके भी अपडेट पोस्ट आ रहे हैं कंटिन्यू 36 सेकंड में। FRP एनी मॉडल बहुत बढ़िया है सर। चलिए बैक आते हैं, और बैक आने के बाद देख लेते हैं कि इसकी भी FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई। और एक मिनट डाटा केबल में निकाल देता हूँ, और जस्ट सेकंड बैक आते हैं। और लिंक हुआ, इसको आप कर देना है सिस्टम पे एनी, जस्ट वन कर दीजिए फिलहाल। और यहाँ पे डन ये देख सकते हैं ऊपर ओके, क्योंकि मैं क्रॉस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे जाए। और ये बहुत ही बेस्ट अपडेट सैमसंग की तरफ से गाइस। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि अपडेट कैसा लगा, कमेंट करिए और बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको इसका परफेक्ट तरीके से ड्राइवर कैसे टूल को चलाना है, ये सारा इंटरफेस सब कुछ आपको एक इंस्टीट्यूट में ही मिलेगा। अगर आपका ड्राइवर में फेल हो रहे हैं, परफेक्ट तरीके से कौन सा ड्राइवर डालना है, सब कुछ आपको एशिया टेलीकॉम में ही मिलेगा आने के बाद। तो जल्दी से एशिया टेलीकॉम भी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। तो ये देख सकते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।